इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी ने विंध्य क्षेत्र की चारों लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सतना से गणेश सिंह, रीवा से जनार्दन मिश्रा, सीधी से राजेश मिश्रा और शहडोल से हिमाद्री सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बनाई गई है। कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। कई सीटों पर तो कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने लायक प्रत्याशी भी नहीं है। सीधी से अजय सिंह राहुल ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। सतना लोकसभा सीट से जितने भी प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं, सिद्धार्थ कुशवाहा को छोड़ दिया जाए तो अन्य किसी भी प्रत्याशी में इतना दम नहीं है कि वह गणेश सिंह से ठीक ढंग से मुकाबला भी कर सके। रीवा में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने सांसद जनार्दन मिश्रा पर ही भरोसा जताया है, लेकिन कांग्रेस के पास आज भी एक अदद दमदार प्रत्याशी नहीं है। कुछ लोग रीवा शहर के महापौर बाबा का नाम लोकसभा चुनाव के लिए ले रहे हैं, तो वहीं अब एक नया नाम लोकसभा के लिए नीलम मिश्रा का सामने आया है। नीलम मिश्रा सिमरिया से विधायक रह चुकी हैं। नीलम मिश्रा सिमरिया के विधायक अभय मिश्रा की पत्नी भी हैं। भारतीय जनता पार्टी से एक बार सिमरिया सीट से विधायक रह चुकी हैं। अभय मिश्रा जिस तरीके से आक्रामक चुनाव लड़ते हैं, उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी यह मानकर चल रही है कि रीवा में अभय मिश्रा ही भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकते हैं, इसलिए नीलम मिश्रा का नाम कांग्रेस के नेताओं ने आगे किया है। नीलम मिश्रा के नाम पर अजय सिंह राहुल की भी सहमति हो सकती है। बहुत संभव है कि कांग्रेस रीवा से नीलम मिश्रा को चुनाव मैदान में उतार दे। नीलम मिश्रा के पति अभी भी सिमरिया से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते हैं। इसके पहले अभय मिश्रा सिमरिया से भारतीय जनता पार्टी की भी टिकट पर एक बार विधायक रह चुके हैं। इस लिहाज से यह कहा जा सकता है कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के साम्राज्य में यदि उन्हें कोई चुनौती देता हुआ नेता दिखाई देता है तो उसका नाम है अभय मिश्रा। अभय मिश्रा ने 2023 की विधानसभा चुनाव में राजेंद्र शुक्ला के नजदीकी केपी त्रिपाठी को सिमरिया विधानसभा चुनाव में पराजित किया है। केपी त्रिपाठी एक बार सिमरिया विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। अभय मिश्रा के चलते केपी त्रिपाठी दूसरी बार विधायक नहीं बन पाए। अभय मिश्रा और राजेंद्र शुक्ला में अदावत है। अभय मिश्रा तो भारतीय जनता पार्टी से भी टिकट मांगने गए थे। करीब करीब उनकी टिकट विधानसभा में फाइनल हो गई थी, लेकिन राजेंद्र शुक्ल के विरोध के कारण अभय मिश्रा की टिकट काट दी गई। इस बात की जैसे ही भनक अभय मिश्रा को लगी, वैसे ही अभय मिश्रा ने तुरंत कांग्रेस ज्वाइन किया और सिमरिया विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर 2023 का चुनाव लड़े और विधायक भी बन गए। लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा पैसा भी खर्च होता है और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना हुआ है, उसे देखते हुए अधिकांश कांग्रेसी चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। ऐसे में कोई नेता साहस करके तो चुनाव नहीं लड़ सकता। आज के हालात में कोई नेता दुस्साहस करके ही चुनाव लड़ सकता है और ऐसा रीवा जिले में अभय मिश्रा ही कर सकते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।